नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की टाइम में बहुत सारे लोग पेपर प्लेट बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, मगर दोस्तों उन लोग के दिमाग में एक डाउट हमेशा रहता है कि इसमें कौन सी मशीन बेस्ट है, कितना हमें प्रॉफिट होगा, कितना हमें इन्वेस्टमेंट होगा और कैसे हम अपने बिजनेस का ग्रो कर सकते हैं। गाइस, आज हम आपको इन सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो बनाने का एक ही महाउद्देश्य है, आपको नॉलेज देना, आपके नॉलेज को बढ़ावा देना कि ताकि आप भी अपना खुद का बिजनेस कर सकें और कौन सा बिजनेस आप कर सकें और आपको कितना इन्वेस्टमेंट हो सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक में जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए आप फुल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मशीनों के बारे में ताकि आपको पता चल जाए कि कितने इन्वेस्टमेंट में हम पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मशीन होती है 3 तरह की पेपर प्लेट बनाने के लिए। तो गाइस, पहला मशीन है मैनुअल मशीन, दूसरा है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन और तीसरा है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। गाइस, इस 3 तरह से आप दोना प्लेट बना सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल मशीन के बारे में। गाइस, मैनुअल मशीन होती है जो हाथ से हम दबाते हैं। गाइस, उसे आप खुद ही चालू कर सकते हैं और गाइस, इसकी प्राइस बहुत कम होती है। मार्केट में जाइएगा तो आपको 10 से 20 हज़ार में ये मशीन मिल जाएगी। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 40 से 50 हज़ार में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, एक बात आपको बता दूँ, इसमें आपको प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा और इसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगा। आप 10 से 20 हज़ार में इस मशीन को खरीद सकते हैं और 40 से 50 हज़ार में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मगर गाइस, इसमें आपको बिजली खर्च नहीं लगेगा, आपको अपने हाथ से चलाना होगा इसको, इसलिए इसको मैनुअल मशीन कहते हैं। अब बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की और सेमी ऑटोमेटिक मशीन की, उसमें क्या क्वालिटी है और कितने का इन्वेस्टमेंट है और कितना रेट है मशीन का। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। तो गाइस, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको 70% काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन 30% काम आपको खुद करना होगा। लेकिन गाइस, इसमें भी 2 क्वालिटी की मशीन होती है, एक सिंगल डाई की मशीन जो कि घंटे में 1,000 दौरा निकालता है और एक डबल डाई की मशीन जो कि घंटे में 2,000 दौरा निकालता है, क्योंकि गाइस वो 2 डाई है और ये सिंगल डाई, तो कुछ अंतर होना ही है। लेकिन गाइस, एक बात बता दूं, डबल डाई से बेहतर होता है सिंगल डाई। तो गाइस, आपको सिंगल डाई में आपको इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और प्रॉब्लम भी बहुत कम होगी, क्योंकि गाइस डबल डाई में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर हमें एक डाई में कुछ होती है तो हमें दोनों डाई रोकना पड़ता है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है सिंगल में। वो आपको एक बार चेंज कर दिया सुबह तो आपको 12 घंटा 15 घंटा कंटिन्यू चलता रहेगा, दोबारा आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो गाइस, सिंगल डाई की हम ज़्यादा कीमत, तो गाइस सिंगल डाई की आती है 65,000 रुपये में, 60 से 65,000 में आ जाती है। और गाइस, इस बिजनेस को आप घर से 1.5 लाख रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की, आप 1.5 लाख रुपये में पेपर प्लेट बिजनेस आप कर सकते हैं। और गाइस, बात करें प्रॉफिट की, तो गाइस इस एक मशीन से आप रोज का 3,000 रुपये कमा सकते हैं, यानी महीने का 80 से 90 हज़ार रुपये आप हर महीने कमा सकते हैं, वो भी आप घर पर रह के। गाइस, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आप टेंशन मुक्त होकर काम कीजिए। अगर गाइस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी सेवा के लिए हम हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है मशीन में तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करें। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। तो गाइस, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन एक ऊँचे लेवल में आ जाती है, जिन लोगों के पास बड़ा काम होता है वही ये लोग मशीन लगाते हैं। गाइस, अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की। तो गाइस, इसकी प्रोडक्शन एक दिन में 30 से 40 प्लेटें निकाल देती हैं। और बात करें गाइस इसकी बिजली की, तो गाइस ये बिजली भी बहुत ज़्यादा लेता है, हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन से ज़्यादा बिजली लेती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। अगर हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगा एक दिन में 1 यूनिट 1 घंटे में, तो हमारा 2 यूनिट लेता है 1 घंटे में। तो गाइस, और बात करें उसकी इन्वेस्टमेंट की, तो गाइस उस मशीन को लगाने के लिए कम से कम आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपये होने चाहिए, तब आप उस मशीन को लगा सकते हैं। और बात करें प्रॉफिट की, तो गाइस जितने प्रॉफिट आपको सेमी ऑटोमेटिक देती है 1 लाख रुपये, आपको उतनी ही मशीन आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन देगी। तो गाइस, लागत से प्रॉफिट सेम है, बस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उसमें।
तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और गाइस आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बात और गाइस, अगर आपके मशीन में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको मशीन में कोई प्रॉब्लम आती हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।